हाय गाइस, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारी नई व्लॉग में। तो गाइस, आज एक बार फिर से हम हो चुके हैं हेलीमेंट डाल के तैयार और हम जा रहे हैं सुंदर नगर। और गाइस, घर से तो मैं निकल चुका हूँ, पहुँच चुका हूँ आधे रास्ते में और अभी मैं पहुँचा हूँ ध्रुवाल थाच। वो बहुत ही सुंदर सी जगह है। तो एक बज चुके हैं, लगभग 2 बजे मैं पहुँच जाऊँगा लंबा थाच। 2 बज चुके हैं और मैं पहुँच चुका हूँ लगभग शहर से 4-5 किलोमीटर पीछे लंबा थाच और थमाग से मैं आगे निकल चुका हूँ। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं क्योंकि बहुत शानदार सी लोकेशन मुझे लगी ये। गाइस, कुछ इस तरह की लोकेशन में रुका हूँ मैं। बड़े बड़े देवदार के यहाँ पे पेड़ है। तो गाइस, अभी मुझे रह गए लगभग 70-80 किलोमीटर जाना बाकी सुंदरनगर पहुँचने के लिए। तो मुझे लगता है इतना तो होगा ही, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो अभी मुझे लगभग 2 घंटे और राइड करना पड़ेगा बाइक के ऊपर। गाइस, थोड़ी देर में हम पहुँचने वाले चैल चौक, आधे घंटे पहुँच जाएंगे। तो शाम के बज चुके 3 बज चुके हैं, 4 बजे तक हम पहुँच जाना चाहिए, तो 5 बजे तक पहुँच जाना चाहिए अपनी डेस्टिनेशन तक। तो गाइस, अभी मैं इसलिए रुका था क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल थी, ये वाला जो अपना चश्मा है ना, इसको साफ़ करना पड़ा हमें क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा हमें कुछ भी। तो अभी यहाँ से आगे चलते हैं। तो गाइस, जब से मैं इस साइड पहुँचा हूँ ना, तो ये इस वाली साइड में गर्मी बिल्कुल भी नहीं क्योंकि जंगल का एरिया है। तो यहाँ पे तो मुझे थोड़ी सी ठंड भी लग रही है। तो जैसे ही मैं चर्च चौक से आगे निकलूँगा तो मुझे लगता है वहाँ से आगे थोड़ा सा मौसम ठीक रहेगा शायद। तो गाइस, 4:15 और मैं यहाँ से सुंदरनगर थोड़ा ही 5-7 किलोमीटर ही दूर। तो गाइस, ये डिडोर और काफ़ी शानदार रोड बनी हुई है। वाह, फोर लेन। तो हमें जाना है इस वाली साइड से और काफ़ी होता है शाम को क्योंकि शाम का समय है, 4:16 हो चुके हैं। तो हमें भी इस वाले ट्रैक में जाना है आगे सुंदरनगर की तरफ। तो गाइस, पिछले कल मैं पहुंच गया था सुंदरनगर अपने रूम में, वहाँ पे हमारा रूम अभी तक है। तो आगे मैं वीडियो ने कल नहीं बना पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं थक चुका था बाइक राइड करके। और अभी मैं पहुंच चुका हूँ मंडी में। तो गाइस, आज मैं पहुंच चुका हूँ मंडी में के बल कॉलेज में। आप देख सकते हैं बल कॉलेज की बिल्डिंग है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहुँचा हूँ, बहुत ही शानदार सी बिल्डिंग और इसके अंदर एक बहुत बड़ा हॉल आज हमने देखा, बहुत ही शानदार सा है। लगभग 10 बजे के आसपास हम गए थे अंदर हॉल में। तो अंदर चेकिंग वगैरह पूरी हुई है, हमारे सामान सारे खोल दिए। तो उसके बाद अंदर गए हॉल में। तो हॉल से हम निकले हैं 12 बजे। तो अभी बज चुके हैं 12:13। तो अभी चलते हैं मार्केट। तो भाई, यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम ग्राउंड में, बल कॉलेज का जो ग्राउंड है हमारे ये पडल्स। तो यहाँ पे ना नेट भी है, प्रैक्टिस नेट्स जो क्रिकेट के लिए होते हैं। तो अभी गर्मी हो चुकी है तो यहाँ पे लोग अभी नहीं हैं। तो गाइस, है तो शानदार सा ये ग्राउंड, यहाँ पे अभी बहुत ही बढ़िया मुझे लग रहा है भाई, फीलिंग आ रही बैटर वाली। सबसे पहले हम जाएंगे विशाल मेगावाट, हमारा पहला प्लान ये है विशाल मेगावाट जाने का। तो गाइस, नेक्स्ट जो प्लान है हमारा इस तरह की बाइक लाने का है, ये वाला सपना हमारा जरूर पूरा होके रहेगा एक दिन। तो गाइस, पडल में ना बंदों का खुला इंजॉय चला है, यहाँ पर वॉलीबॉल के मैच चले हुए, बढ़िया इंजॉय कर रहे हैं। गाइस, मंडी के बस स्टैंड में पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा चहल पहल है भाई, बसें चल रही है बढ़िया अपने अपने हिसाब से, चला सिस्टम घुस जाएगी। और मुझे यहाँ से करना होगा क्रॉस वॉली साइड क्योंकि मुझे वहाँ जाना है ना। गाइस, ट्रक चलाने का भी मज़ा एक अलग लेवल का मुझे लगता है। हाँ, क्या शानदार गाड़ी है भाई। तो गाइस, बाइक देखो कहाँ जाकर लगाई है हमने, यहाँ पे पार्किंग में। तो अभी यहाँ से जा रहे हैं हम विशाल मेगावाट, हमारा प्लान है वहाँ जाने का। तो गाइस, बाइक हमने पार्किंग में लगा दी है बेसमेंट में विशाल मेगावाट के। तो यहाँ से हम जाएंगे अब सामने से ऊपर को। तो गाइस, मंडी में बहुत घूम चुका हूँ तो अब मैं निकल चुका हूँ और मैं पहुँच चुका हूँ अपने सिराज क्षेत्र में, खूबसूरत वादियों में पहुंच चुका हूं। तो गाइस, बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात यह है कि मैं पहुंच चुका हूं धूप वाले एरिया में। तो अभी लग चुकी है धूप और यहां से देखते हैं कितना ज़्यादा ख़तरनाक है और बहुत ही तगड़े वाला व्यू है भाई यहां से। और सन भी सेट हो रहा है धीरे धीरे। तो मैं पहुँच चुका हूँ अपने घर के मतलब काफ़ी करीब पहुँच चुका हूँ, लगभग यहाँ से है 15-20 किलोमीटर आगे मेरा घर। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना, जन्नत में आ गए हम। तो आज बहुत ज़्यादा हमने राइडिंग की सारा दिन, तो अभी जाके पूरा मोशन बना रहा है राइडिंग करने का। और ये देख रहे हैं आप, यहाँ आगे यहाँ है हमारी फाटकीदार है ना, कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ हमें पहुँचना है, यहाँ से तरह की धूल फंस चुकी है बहुत ज़्यादा। तो अभी यहाँ से चलते हैं आगे।